अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुमने फोटो उल्टी क्यों लगाई है? क्योंकि मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहती हूं। सही बात है, ये लो वत्सला, जला दो उसे। खत्म कर दो उसे, आग लगा दो। लो, आगे बढ़ो वत्सला। आप धर्म और समाज के रक्षक हैं कि नहीं है? घरों में नहीं होता यह। ध्रुवा, हम वार्निंग देता हूं तुझे, घर के अंदर ऐसे करेगा तो। जी कोई नाटक नहीं है, वत्सला जो कर रही है सही कर रही है। अच्छा चलाओ। पुतला तो सिद्धार्थ का है, रोकिए, अनर्थ हो जाएगा अम्मा, रोकिए अम्मा। रुको वत्सला। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे घर में शुभ काम होने जा रहा है बेटा, तुम लोग कहाँ शुभ काम करने जा रहे हो? मत कराओ ये सब। देख बेटा, गर्भधारण संस्कार की जगह दाह संस्कार करने जा रहे हो तुम लोग, ये ठीक बात है? बिल्कुल नहीं, सब नहीं होना चाहिए बेटा घर में। ध्रुव देखो, ध्रुव तुम हमारे समझदार भाई हो ना, देखो
गुस्सा अपनी जगह पर है, पर ये सब बहुत ही गलत है। मत करो ध्रुव, रुक जाओ। नहीं, अगर वत्सला इस पुतले को जलाना चाहती है तो उसे जलाने दीजिए। अगर ये पुतला जला के वत्सला के दिल से दिमाग से उस आदमी की सारी यादें मिट जाती हैं, तो अच्छा, उसे जलाने दीजिए। सुना सबने, भैया एकदम सही कह रहे हैं। वत्सला आगे बढ़ो, जलाओ। कौन सही नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा है वो। बकवास नहीं करेंगे साहब। बाबूजी ये बकवास नहीं है, ये बिल्कुल वैसा समझ लीजिए जैसा हम दशहरे पे रावण को जलाते हैं। और इसी तरह आज वत्सला की जिंदगी का रावण जलाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही वत्सला के नए जन्म की कहानी शुरू होगी। आगे बढ़ो वत्सला, जला दो पुतला, खत्म कर दो उसे। सही है, अभी तुम्हारा कुछ ना बोलना ही सही है वत्सला। बस चुपचाप देखो कि आगे क्या क्या होता है। गुरुजी इतने तेजस्वी हैं कि उनके पास खड़े रहकर एक अलग एनर्जी मिलती है। अनमोल, जल के स्थान पर मदिरा, इस भूल के लिए हम आप सबको श्राप देंगे। शीघ्र ही इस घर में बहुत बड़ी विपत्ति का आगमन होगा, इससे बच पाना असंभव होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। पत्नी है ये हमारी, भाभी हटिए, ये पुतला जलेगा तो वत्सला के मन को शांति मिलेगी। आप हटिए। हम नहीं हटेंगे ध्रुव भैया, और ये पुतला नहीं जलेगा। देखिए जिसका भी पुतला है वो इंसान तो जिंदा है ना, तो कौनो भी रूप में, पुतला के भी रूप में उसको आप नहीं जला सकते, ये गलत है। भाभी आपको उस इंसान की इतनी फिक्र क्यों है? आपने कहा कि वत्सला के पेट में बच्चा है तो फेरे नहीं ले सकते, हमने मान लिया, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप यहाँ सबके बीच में आके हमें ये करने से मना कर रही हैं। अभी ऐसा हमेशा नहीं चलेगा, हमेशा आपकी बात नहीं मानी जाएगी। भाभी अभी वत्सला का शादी करने का सपना तो टूट गया, लेकिन कम से कम उसे अपना मन तो हल्का करने दीजिए। भाभी आप हटिए। नहीं हटेंगे हम सामने से।
नहीं हटेंगे ध्रुव भैया। भाभी हटिए। हम नहीं हटेंगे। भाभी आगे से हटिए। ध्रुव बेटे रानी का हाथ छोड़। हमने कहा बेटे रानी का हाथ छोड़। ध्रुव क्या कर रहा है तू? गुस्से में भी बिल्कुल सही कर रहा हूँ भैया। हमारा फर्ज बनता है कि जो वत्सला चाहती है, जिसमें उसे खुशी मिले, हम वो करें। आप भी यही करते हैं ना, जिसमें भाभी को खुशी मिलती है करते हैं ना भैया, तो हम भी बस वही कर रहे हैं। आज ये पुतला हम जला के रहेंगे। भाभी हटिए, भाभी हटिए। हम नहीं हटेंगे ध्रुव भैया। और हम इंसानियत के नाते कर रहे हैं, जो भी हो इंसान से जिंदा है ना, यही हम इंसानियत के नाते आपको रोक रहे हैं। आप मत चलाइए पुतला। अरे भाभी आप जिसकी बात कर रही है वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। हम तो चाहते हैं कि वो जहां कहीं भी हो वो अभी के अभी मर जाए। उसे संसार का सबसे बड़ा दुख मिलना चाहिए। उसकी जिंदगी गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर होनी चाहिए। उसका घर परिवार खानदान सबको सुकून के दो पल नहीं मिलने चाहिए। बस ध्रुव भैया, बहुत सुन लिया आपका। अब एक शब्द और नहीं, नहीं तो ठीक नहीं होगा ध्रुव भैया। अभी आपको उस इंसान की इतनी फिक्र क्यों है, और आप उस घटिया इंसान के लिए हमसे ऐसे बात कर रही है? आपको जितना चीखना है चीखिए भाभी, लेकिन आज हम ये पुतला जला कर रहेंगे। हट। ए! उस आदमी के बारे में तुझे पता नहीं है, ये क्या बकवास कर रहा है? इतना घटिया मत बोल। बाबूजी घटिया आदमी है तो घटिया उसके बारे में बोलेंगे ना। ये पुतला तो आज हम जला के रहेंगे। ध्रुव, ध्रुव भैया, नहीं। अभी हटिए। नहीं। अभी छोड़िए इसे। हम नहीं छोड़ेंगे ध्रुव भैया, हम आपको नहीं जलाने देंगे। अभी छोड़िए इसे। आप पुतला नहीं जला सकते ध्रुव भैया, चाहे जो हो। अभी ये पुतला जलेगा, छोड़िए इसे। नहीं जलेगा ये पुतला। अभी छोड़िए। नहीं ध्रुव भैया, छोड़िए। अभी छोड़िए इसे। नहीं छोड़ेंगे। अभी वत्सला जलाओ, आगे बढ़ो वत्सला। जला दो पुतला। और जो घटिया आदमी है वो जलील आदमी। घटिया आदमी तेरा भाई है वो। तेरा अपना भाई, तेरा अपना खून सिद्धार्थ है वो। अपना खानदान को गाली दे रहा है।
दारोगा हूँ, पुलिस वाला होके कितनों को घर जलने से बचाया हमने। तू हमारा बेटा गाली दे रहा, हमरे सामने हम बर्दाश्त करूंगा, आग लगा दूंगा। क्या करे वास्ते, इसके वास्ते, इसके वास्ते, इस गंद के वास्ते। हम बहुतों घर बचाया है, लेकिन अगर आपने हमरा बिटवा को यहाँ दाह संस्कार करने की कोशिश किया तो याद रखिए, हम सबको जला दूंगा, एक साथ हम भी चल जाऊंगा, हम सबको जला दूंगा। हम ऐसा हूं, सुन रहा है, सुन रहा है। तरुण जी की किस्मत के तार किसी और के साथ जुड़ चुके हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं। हम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि दिव्यम जी की पत्नी है। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 8 बजे। ए, राम राम, जा सकता है। हाँ बेटा, इस साथ हम लोग ये बात तुमसे छुपाना चाहते थे। भैया, ये जो भी सब कह रहे हैं, ये सच है क्या? अरे भैया बताइए ना, कहे क्या ये सच है भैया? बोलिए ना। हाँ ध्रुव जी, ये सच है कि मेरा और सिड का सालों से रिश्ता था। और ये बात इस घर में हर कोई जानता है। हम इसे लेकर पूरे घर में सबके सामने घूम रहे थे और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला भैया, घटिया इंसान। हम छोड़ेंगे नहीं आपको, इंसान। छोड़िए, भाभी इसे छोड़ दे।
घटिया इंसान को। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है भाभी। अपने भाभी को धोखा दिया। पूरी जिंदगी भाभी आपको पूछती रही, देवता मानती रही, और आप अय्याशी कर रहे थे, और भाभी आप बोल रहे हैं इन्हें छोड़ दे। ध्रुव भैया देवता नहीं है, बाकी हमारे पति है ना। भाभी छोड़ना तो आपको इन्हें चाहिए था, इस घटिया इंसान को। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अब तक इनके साथ कैसे रह रही हैं। अरे भगवान तो छोड़िए, ये तो ढंग के इंसान भी नहीं बन पाए भाभी। नहीं भाभी, अब आप यहां नहीं रहेंगी भाभी, आप हमारे साथ चलिए भाभी, चलिए। भाभी इंसान, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने गलत किया भाभी के साथ, घटिया इंसान, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तुम छोड़ दे बेटा, छोड़िए। तुम जलील इंसान हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाभी के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? छोड़ेंगे नहीं हम, घटिया इंसान, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों किया भाभी के साथ ऐसा तुमने? बोलो तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम आज, बोलो। लड़ो और लड़ो, क्योंकि ये लड़ाई जरूरी है मेरे आगे के प्लान के लिए।